कुल्लड़ भाई, कुल्लड़ के नगर में लाल सुहा, लाल सुहा रंग आ गया ना जिसी, वो कलर हो जाएगा। ओ हो, मेन कम तो इो है। हम तुम देखो ये, ओ हो क्या बात, बंदा ना मिट्टी के बर्तन करने कुल्लड़ भी आखने ऐसी, पर निकू जहा मटका ही लगा था। हाँ जी, आप मटका बोलते हो? हाँ जी। अच्छा, हम तुम देखो भैया ने मटके आखा दे, ये बिच पाए ने कुल्लड़, साड़ी अपनी लैंग्वेज इसी आग दे ऐसी कुल्लड़, ते ये पखने। भैया ये कितनी देर तक इसमें रखोगे आप? 5 मिनट। 5 मिनट तक इसी कुल्लड़ की बिची रोन देना। ये अदरक डाल दिया थोड़ी सी, फिर इसके बाद है ना चाय पत्ती डालेंगे। खुशबू तो उन्हें शायद आने लगी है। सर तंदूरी मसाला है, स्पेशल तंदूरी मसाला। हाँ जी। अच्छा ये क्या पीस के रखा हुआ है, क्या किस किस का बनाएंगे? इसमें बहुत खड़ा मसाला पड़ा है इस पीस। खड़े मसाले। हाँ जी। नहीं ये उबाल आ रहे हैं जो इससे बाहर न निकले, इसीलिए बाहर नहीं निकले। हाँ जी। इसमें चाय उबलेंगे ना, ये अपना फ्लेवर ला के देंगे। अच्छा, मतलब फ्लेवर इस मिट्टी के बर्तन का भी आना आता है बीच में। तो देखो चाय की बॉल आई है मटके च अभी। जम्मू वाले हूँ तो साढ़े बखलोल टीवी दे चीज़ लजीज दे एपिसोड से तुस किंब भी खाधे, डोसा भी खाधा, तो होर भी बथेरा कुछ खाधा, तो होर भी बथेरा कुछ आने वाला है। पर जियां हुण सर्दियां दा मौसम भी है, तो मिगी गल सुनाओ, हाँ चाह कुसे गी नहीं पसंद पीना। मैं तो जेहड़े मिगी लोग पर्सनली भी जानते ना, उन्हें पता होना कि मैडम मैं चाय की किन्नी दीवानी हाँ। तो अज मैं तुसें गी लेई दी आई दी एक जगह नई बस्ती, पर है प्रॉपर एड्रैस मैं लास्ट तुसें गी दसगी दी। तो है आज मैं पिलागी तंदूरी चाह, तो तुम मेरे कहीं बने रहो, तो दिखते भी जाओ कि किया किया बनती है। चलो आ जाओ। भैया की ना डोगरी समझ नहीं आनी है, तो मैं इन्हें करने हिंदी से ही गल करगी। अच्छा भैया ये क्या है? ये तंदूर है मैम, इसमें है ना इस पिसर तंदूरी चाय बनता है। तो जैसे तंदूरी चाय के लिए ना सबसे पहले हमें ये मटका है ना, तंदूर में डालना पड़ता है आग। ओ, ओ, ओ। उन तुस देखो भैया ने मटके आखा दे, ये बिच पाए ने कुल्लड़, साड़ी अपनी लैंग्वेज इसी आग दे ऐसी कुल्लड़, ते ये पखने। भैया ये कितनी देर तक इसमें रखोगे आप? 5 मिनट। 5 मिनट तक इसी कुल्लड़ की बिची रोन देना। भैया जितनी जोर से तुम त्रट्टा दो, अच्छा हिंदी में, सॉरी मैं भूल जाती हूँ, मुझे हिंदी बोलिए, जितनी जोर से आप इसको फेंक रहे हो ये टूटते नहीं बीच में? नहीं नहीं ये टूटेंगे नहीं। अच्छा भैया ये कितनी देर तक बीच में रहेंगे? ये 5 महीने तक तंदूर में रहेंगे, बाकी चाय अलग से बनाएंगे। चाय अलग से वो भट्टी पे बनेंगे, 5 मिनट में चाय तैयार हो जाएंगे। जब तक ये कुल्हड़ हमारे यहाँ पे सड़ रहे हैं, बीच में गर्म हो रहे हैं, तब तक हम चाय दिखा देते हैं। उन असलों की अपने घर चाह तो बनाने, पर इधर की जी चाय जुले थोड़ी छड़ा तंदूर च हो आके आखते मटका कुल्हड़ पखादा, उले थोड़ी मैं तुम्हें दसनी हूँ कि स्पेशल चाह कियाँ बनती है। तो भैया कहने तो मैं हिंदी से गल करनी हूँ। अच्छा भैया अब शुरू से बताओ आप चाय में क्या क्या डालते जाओगे? सबसे पहले फ्राई बीन में पानी डालेंगे जी। फिर उसके बाद ये अदरक डाल दिया थोड़ी सी जी। फिर इसके बाद है ना चाय पत्ती डालेंगे। चाय पत्ती कौन सी यूज करते हो? ताज। ताज, वाह ताज। दो मिनट उबलेंगे, इसके बाद दूध डालेंगे। खुशबू तो उन्हें शायद आने लगी है। सर तंदूरी मसाला है, स्पेशल तंदूरी मसाला। हाँ जी। अच्छा ये क्या पीस के रखा हुआ है, क्या किस किस का बनाएंगे? इसमें बहुत खड़ा मसाला पड़ा है इस पीस। खड़े मसाले। हाँ जी, हाँ जी। जो खाने में यूज होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत कुछ डाले। ये ये कहाँ से आते हैं मसाले? ये पीछे से आ रहा है, दिल्ली से। दिल्ली से। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ये भैया आपकी तंदूरी चाय का स्पेशल इंग्रेडिएंट क्या है? यही तंदूरी मसाला। तंदूरी मसाला। ये पहले खड़े मसाले ला के यहाँ पे पीसते हो या पिसा पिसा लाते हो? पिसा पिसा आता है दिल्ली से। अब आपको पता कैसे चलेगा कि बन गई है?
ये अभी उबाल आएंगे पता चल जाएंगे, कलर नहीं लाया ना अभी। अच्छा सुबह कितने बजे शुरू होते चाय बनाना? 3 बजे, 3 बजे दिन को होते हैं अभी। दिन के 3 बजे? अच्छा, तो रात को कब तक? 9 बजे तक। 9 बजे तक। ज्यादा रश कब होता चाय का? शाम में 6 बजे। भैया अब ये बड़ा मटका क्यों? ये मिट्टी के बर्तन के है ना, ये इसमें चाय उबलेंगे ना, ये अपना फ्लेवर ला के देंगे। अच्छा, मतलब फ्लेवर इस मिट्टी के बर्तन का भी आना आता है बीच में। अरे देखो अस अपने घर चाह फ्राइंग पैन च बनाने हैं, कुछ पतीले च भी बनाने हैं, बट इधर का आइए तुम देखो, यह लगता पुराने जमाने की चाह नहीं बना दी होंगी। ज्यादा हीट हो जाता है ना, एक बैग बाहर निकल जाता है, एक ही बारी में बाहर। इसीलिए थोड़ा सा ही। हाँ जी, वही तंदूरी गाड़ के डालेंगे उसमें। लास्ट काम वही है ना? हाँ जी, हाँ जी, ठीक। यहाँ डालूंगा तो देखो चाह की बॉल आई है मटके च अभी। अच्छा तंदूरी कप। अच्छा हम तुम दिखते जाओ, सारा कुल्लड़ भी तैयार हो गर्म हो भैया ने निकाला कुल्लड़। हाई कुल्लड़ कितना गर्म है, लाल सुहा, लाल सुहा रंग आखते ना जिसी, वो कलर हो हो मेन 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 कम तो इो है हूँ तुम देखो ये। ओहो हो क्या बात, ओहो क्या बात, क्या बात। एक कुल्लड़ ना तंदूर से रखी सी, इन्ना पकाया इन्ना पकाया कि उन छड़ी चाह पाई है तो उस देखो जी अस गैस पर रखिए बॉले दवाने हैं ना उवा ही उबला दिए चाह। हाँ उन्हें दुए कुल्लड़ से चाह पाई है जेड़ा ऑलरेडी ठंडा है, उन मेरी चाह पवा दी है बिच भी डालो। आहा खुशबू इन्नी दूर खड़ोती है भी आ रही है। ऐसे आप इस चाय को किस नाम क्या नाम बोलते हो? नॉर्मल तंदूरी चाय। तंदूरी चाय भैया क्या डाल रहे हो? बादाम। चाय में बादाम, मतलब चाय में बादाम, क्या बात है। ये तो मैं खुद पहली बार सुन रही हूँ, मेरे से वेट नहीं हो रहा। मेरी तंदूरी चाय तैयार है तो तुम्हें की पीगी ते दस की कनेही है, ठीक है चलो। मेरी तंदूरी चाह आई दी है मैं तुसें गी। अच्छा मैंने जेड़ी गल मैं पहली बार दिखी है कुसी चाह दे विच ना बादाम पाइए दिते दे, कावे उपर ते पौंदे ही हैं बट चाह उपर मैं पहली बार दिखा रही हाँ, हुण पहला सिप लेगी। पहले ते आया बादाम, ठीक है। उहदे बाद जेड़ा उहने आखे ना मसाले पाने हैं विच, तो जोड़े मसाले दिल्ली तो आते हैं उदा फ्लेवर तो निखर ही आ रहा, सब तो व्डा जो फ्लेवर आता है वह आ रहा तंदूर का, तो दूजा है मटका जोड़ा साड़ा मिट्टी का मटका कुल्लड़ का, बिच जोड़ा कच्चा बादाम, कच्चा कच्चा बादाम का फ्लेवर है, बादाम साढ़े अपने शैल। सो मैं अपनी तंदूरी चाह पी हटी हाँ तो तुम्हें भी दसी, बनते हुए भी दसी, मटका पकते हुए भी दसा, साड़ा कुल्लड़ पकते हुए भी दसा, तो इन्नी स्वाद चाह ही ना मैं आखा नहीं हाँ। वो जोड़ा मसाला आखा दे ना तंदूर की चाय का मसाला, वो फ्लेवर अलग निखरी आ रहे हैं, कन्ने बादाम वाला ट्विस्ट तो मैं पहली बार सुनिया, तो खादा भी वो भी बड़ा शैल लगा था। तो तुम्हें एड्रैस में सुना नई बस्ती चौंका पर दुकान है, तो ईजी के पौना की टैंकी है पिछले पानी वाली, तो पानी वाली टैंकी के बिल्कुल सामने तुम्हें दुकान लभी आनी है। तो चाह का प्राइस मैं तुम्हें दसा 30 रुपये को शुरू है, तो आओ चाह का आनंद लो, तो इस दिखते रहो द बकलोल टीवी।